हेलो एवरीबॉडी, हम सीडीएस के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था 3 फेब 2019 को। इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लेंगे और उसी के आंसर्स का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। इसका सही आंसर होगा रिस्पॉन्ड। अब्सॉल्व का मतलब होता है दोषमुक्त करना। डिस्चार्ज, कई इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक तो कुछ चीज़ रिलीज करना, दूसरा हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में भी ये यूज़ होता है। ओवरलुक का मतलब होता है कि देखकर भी अनदेखा करना। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन फ्यूअर रिस्क सिंस इट इज़ यूज अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड रेमेडीज ऑफन टू लेसन साइड इफेक्ट्स एंड इन्हांस फीलिंग्स ऑफ वेल बींग। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में ऐसा वर्ड आएगा जिसकी मीनिंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव मीनिंग नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव वर्ड है, जैसे वेल बींग, लेसन साइड इफेक्ट्स। तो ये दिखा रहा है कि इसकी यहाँ पर जो भी ब्लैंक में वर्ड आएगा उसकी मीनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। रिएक्ट एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। रिलीज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। इजेक्ट भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मगर मेडिसिन कुछ इजेक्ट नहीं कर सकता। इजेक्ट का मतलब होता है आप कोई चीज़ को बाहर निकाल रहे हो। ओके, तो ये इजेक्ट सही नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। इसका सही आंसर होगा कैरीज। स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मेन एंड वेमेन, इसका सही आंसर होगा रिड्यूस। स्ट्रेस है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में जो भी वर्ड होगा उसको भी नेगेटिव होना चाहिए, उसकी मीनिंग नेगेटिव होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रिड्यूस आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द फुटबॉल मैच हैड टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। अब ये फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चंस है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को कहा है कि फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इसीलिए मैंने अपने पेन ड्राइव में भी ग्रामर के जितने भी वीडियोस हैं उसी में ही मैंने फ्रेजल वर्ब और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वोकैबलरी का पार्ट है, मगर ये ग्रामर में ही पूछा जाता है, ग्रामर के क्वेश्चंस में ही इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। और फ्रेजल वर्ब बहुत डिफ़िकल्ट एज सच नहीं है, मगर इसको मेमोराइज करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर एक फ्रेजल वर्ब की मल्टीपल मीनिंग्स होती है। एनीवेज, अब इसमें आपका है पहला कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ओवर। इसमें आप देख रहे हो ये जो कॉल्ड है सारा वी टू फॉर्म में है, वर्ब फॉर्म सेकेंड। तो हम वर्ब के बेसिस पे यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे तो कॉल्ड के साथ जो भी प्रेपोजिशन लगा हुआ है उसके बेसिस पे हमें एलिमिनेट करना होगा। अब कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समबडी या ऑफिशियली आस्क समबडी टू डू समथिंग। जैसे द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज़ कॉल्ड ऑन द US टू एंड द डेथ पेनाल्टी। यानी आप किसी को अगर आप विजिट कर रहे हो या किसी से कुछ करवा रहे हो तब आप कॉल्ड ऑन बोलोगे। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल आउट का मतलब होता है आप किसी पर्सन को सर्विस के लिए अपने घर में बुला रहे हो, जैसे हम प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। और कॉल्ड ओवर का भी मतलब यही होता है, किसी को घर में बुलाना, राइट? इसका सही आंसर होगा कॉल्ड ऑफ, क्योंकि वेदर की वजह से ये फुटबॉल मैच कैंसिल हुआ है, तो कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होना। फिफ्थ क्वेश्चन, नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही डैश टू बी राइट। अब ये फिर से फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। इस बार फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, इसीलिए फ्रेजल वर्ब पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो टर्नड आउट होगा। अब फिर से देखिए, इस बार CDS ने फ्रेजल वर्ब पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैंने देखा है, वर्ब को चेंज नहीं किया है, वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं किया। केम वी टू फॉर्म, कैरिड वी टू, वर्कड वी टू, टर्नड वी टू। अगर आपको ऐसा फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन मिलता है जिसमें वर्ब फॉर्म चेंज हो रहा है, कहीं पे कम्स है, कहीं पे कैरिड है, या कहीं पे वर्किंग है, तो आप वर्ब फॉर्म के बेसिस पर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। मगर सिंस यहाँ पे वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट वर्ब के बेसिस पे नहीं कर पाओगे। अब आप देखिए, नोबडी बिलीव्ड, तो यहाँ पर बिलीव्ड पास्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाले ब्लैंक में जो भी वर्ब आएगा वो भी पास्ट का ही आएगा। मगर यदि इस ऑप्शन में आपको कोई प्रेजेंट का वर्ब दिखता है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, मगर यहाँ पे सारे पास्ट के वर्ब्स हैं, तो वर्ब के बेसिस पे आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको फ्रेजल वर्ब के बेसिस पे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और आप तभी कर पाओगे जब आपको मीनिंग पता होगी।
केम आउट है, तो केम आउट का मतलब इफ़ यू कम आउट विथ समथिंग दैट मीन्स यू हैव गॉट सम आइडिया और सम प्लान एंड यू आर गिविंग प्रपोजल अबाउट दैट. और कैरीड आउट का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो. वर्कआउट का मतलब दो होता है, मल्टीपल मीनिंग है, मैंने बताया था. एक तो एक्सरसाइज करना, और अगर आप कोई भी इश्यूज़ को वर्कआउट कर रहे हो यानी आप उस इशू को रिजॉल्व कर रहे हो. और यहाँ पे सही आंसर होगा टर्न आउट. टर्न आउट आप तभी यूज़ करते हो जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं हो और वो चीज़ हो जाती है, तो उसको हम टर्न आउट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू इन्जॉइंग इट. अब यहाँ पर भी आप देखिए वर्ब को चेंज नहीं किया है, वर्ब फॉर्म एक ही है V4, ओके V1 प्लस ING, तो हम वर्ब के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर सकते. एक और चीज़ आप देखिए प्रेपोजिशन भी सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है, कीपिंग, गोइंग, गेटिंग, कैरिंग, ये चेंज हो रहा है, राइट. इसका जो सही आंसर होगा वो है गेटिंग ऑन. बेसिकली ये जितने भी ऑप्शन है सबका मतलब यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू रखो, ओके. Keep on with your work. Going on, he went on with his work. Or carrying on, he carried on with his work. तो सबका मतलब होता है continue करना, मगर यहाँ पर एक preposition आ गया है जिसकी वजह से keep on in नहीं हो सकता, going on in नहीं हो सकता, carrying on in नहीं हो सकता. ये सब अपने साथ preposition with लेते हैं, keeping on with, going on with, carrying on with. सिर्फ एक गेटिंग ऑन है जिसके साथ हम इन लगा सकते हैं, ओके. तो इसका सही आंसर गेटिंग ऑन होगा. वी लिव डैश अ टार ब्लॉक, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर. टार ब्लॉक का मतलब होता है बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, एक तरह से अपार्टमेंट कहते हैं. तो अपार्टमेंट के अंदर रहेंगे, ब्लॉक के अंदर रहेंगे, इसलिए इसका सही आंसर इन होगा. क्वेश्चन नंबर 8, You were going to apply for the job and then you decided not to. So what? अब आप देखिए वापस से phrasal verb के questions आए हैं, और question number 10 में भी phrasal verbs के ही question है. तो phrasal verbs और confusing words पे questions बहुत आते हैं, हालांकि इस बार confusing words पे question नहीं आए हैं मगर आते हैं. अब यहाँ पे put off है, साथ में बीच में you लगा हुआ है. एक और चीज़ हमें हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर सिर्फ verb को change नहीं किया है. देखिए इस क्वेश्चन में एक वर्ब यूज़ हुआ है वर, वो है पास्ट. फिर हुआ है डिसाइडेड, वो भी पास्ट है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लैंक में जो भी वर्ब आएगा वो भी पास्ट होगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे पास्ट के वर्ब्स है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर वर्ब फॉर्म चेंज कर दें, जैसे पुट्स कर दें या टर्निंग कर दें, तो हम वर्ब के बेसिस पर एलिमिनेट कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे. पुट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डिले करना, पोस्टपोन करना. मगर जब यहाँ पे यू आ गया या कोई भी समबडी या समथिंग आ जाता है पुट और ऑफ के बीच में, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ करने से रोकना, ओके. पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, जैसे फायर है तो पुट आउट द फायर, ओके. मगर यहाँ पर यू आ गया या समथिंग या somebody आ जाता है, तो इसका मतलब होता है बहुत डिस्ट्रेस में होना. टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है एक तो स्विच ऑफ करना, कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करते हैं. और यहाँ पर यू आ गया है यानी समथिंग या somebody आ जाता है टर्न और ऑफ के बीच में, तो फिर इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में हम इंटरेस्ट अगर खो देते हैं. वॉट टर्न यू ऑफ, यानी आप क्यों इंटरेस्ट खो दिए, कैसे इंटरेस्ट खो दिए, ओके. Turned you away, इसका मतलब होता है किसी को refuse करना. Suppose आपने क्लासरूम में एंटर करने के पहले आपने बोला मैम मे आई कम इन, इफ द टीचर turned you away, इसका मतलब है he refused your admittance in the classroom. Understood? तो यहाँ पर सही आंसर होगा put you off. You were going to apply for the job and then you decided not to. So what deterred you not to apply for the job? What repelled you? What made you not to apply for the job? Understood? So, sahi answer put you off hoga. Next, dash it was raining, he went out without a raincoat. Ye conjunction pe question hai. Even, since, unless, although. To since ka matlab hota hai because. वैसे conjunction में भी जो conjunct word होते हैं उसके भी multiple meanings होते हैं.
तो सिंस अगर टाइम के लिए यूज़ होता है तो अलग मीनिंग होते हैं, रीज़न के लिए यूज़ होगा तो इसका मतलब बिकॉज होगा, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और ऑल्दो का मतलब बावजूद, इवन के भी कई मतलब होते हैं। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑल्दो। रेन होने के बावजूद वह बाहर गया बिना रेनकोट के, तो सही आंसर ऑल्दो। आई पार्क माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट, फिर से फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन, केम अप विथ, गॉट अवे विथ, मेड ऑफ विथ, गेट ऑन विथ। मेड ऑफ विथ का मतलब होता है कोई भी चोरी करके अगर भाग जाता है, ज्वेलरी चोरी किया एंड मेड ऑफ विथ द ज्वेलरी, तो इसका मतलब वो ज्वेलरी लेकर भाग गया। गेट ऑन विथ का मतलब फिर कई मतलब होते हैं, मगर यहाँ पर गेट ऑन विथ का मतलब होगा टू बी फ्रेंडली विथ। आई गेट ऑन विथ ऑनेस्ट पीपल वेरी वेल, यानी मैं ऑनेस्ट पीपल के साथ बहुत अच्छे से मैं मिक्सअप हो जाती हूँ, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन होता है। केम अप विथ, न्यू आइडिया, केम अप विथ अ प्लान, और यहाँ पर सही आंसर होगा गॉट अवे विथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने गलत काम किया फिर भी आपको पनिशमेंट नहीं मिला, आप बच गए, तो तब आप यूज करोगे गॉट अवे विथ। आई चीटेड इन द एग्जाम बट आई गॉट अवे विथ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे सीडीएस का ही। थैंक यू।